बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने वाले हैं। खबरें हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव वह फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। अगर उनको फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना होगा तो अखिलेश यादव के साथ साथ उन्हें मायावती के साथ की भी जरूरत पड़ेगी, वरना भाजपा के प्रत्याशी को वह नहीं हरा पाएंगे। इस बात को लेकर हम नहीं बल्कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, अगर साल 2019 के आंकड़ों की बात करें तो सपा बसपा ने गठबंधन करने के बाद इस सीट पर 3,72,000 वोट पाए थे और बीजेपी के प्रत्याशी खेसारी देवी पटेल को 5,44,000 वोट मिले थे। जो मेजोरिटी कहीं ना कहीं परसेंटेज जीत का था वो 1,71,000 का था। 2014 की बात करें तो इस सीट पर बसपा और सपा जब अलग अलग चुनाव लड़ी थी तो बसपा को 1,63,000 वोट मिले थे। अब इतना बड़ा वोट बैंक बसपा का है। और अगर 2009 की बात करें तो फूलपुर सीट से बसपा के ही प्रत्याशी कपिल मुनि इस सीट से जीते थे, तो कहीं ना कहीं बसपा का इस सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार इस सीट पर भले ही कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत करे, आगे आकर अपनी बात रखें या उत्तर प्रदेश में किसी और सीट से चुनाव लड़ें, उत्तर प्रदेश में वे किसी भी सीट से जाएंगे चुनाव लड़ने तो अगर वह मायावती का साथ नहीं लेंगे तो उनको त्रिकोणीय मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा था कि वाराणसी दौरे पर नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन दौरे के रद्द होने की भी खबरें हैं, दबाव बनना है ऐसी खबरें थी। लेकिन नीतीश की बात करें तो नीतीश ने अखिलेश यादव जयंत चौधरी का साथ लेना मंजूर किया, लेकिन मायावती का साथ नहीं लिया। अब ये बात भी अलग है कि मायावती साथ देना भी नहीं चाह रही, वह विपक्ष के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन नीतीश का एक भी बयान मायावती के समर्थन में नहीं आया। अब बात आती है मुलाकात की, तो कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश भी नीतीश कुमार का भी हाल ही में दौरा होगा, उत्तर प्रदेश आएंगे तो काफी सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद तो सबको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत विपक्ष को मायावती की हो उतनी जरूरत मायावती को भी विपक्ष की इस समय, वरना दोनों ही कमजोर नजर आ रही है अपने अपने एंड से। तो ऐसे भाजपा को हराना है तो सबको साथ मिलना होगा, बूंद बूंद करके घड़ा भरना होगा। और पिछली बार भी जब यूपी आए थे नीतीश कुमार तो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलकर ही चले गए थे, जयंत चौधरी से भी नहीं मिले थे, सिर्फ अखिलेश से मिले थे। लेकिन इस बार खबरें थी कि मायावती से मुलाकात करते बात करते शायद कुछ बात बनती नजर आती, लेकिन मायावती भी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है और नीतीश कुमार का ही वही सपना है। कहीं ना कहीं दोनों के ही सपने एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा बने हुए, जिस वजह से दोनों की राहें अलग अलग नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस नजरिए में नीतीश कुमार का फैसला मायावती का साथ न लेने का क्या आपको सही लगता है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।